हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ताजर उसको तस्वर किया जाता है जो अरबपति आदमी है, मूंगफली बेच रहा है या जो नहीं है या मोची है, वो भी ताजर है, वो भी ताजर का ही काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों की सुनाई कोई नहीं है। फिर मैं शाह साहब के पास हाजिर हुआ, मैं कि शाह साहब ताली मेहरबानी साढ़े शक्कर का हाथ रखो, अखराज रुपये बढ़ गए हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, अगर सर छुपाएँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव छुपाएँ तो सर नंगे हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा यार तुम अपनी जो ए टीम है ना वो ले आओ, मैं उन्हें बुला लेता हूँ और आपकी भरपूर तरीके से जिस हद तक मुमकिन है खिदमत करेंगे, सरपस्ती करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मिशदवान राजीव बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नायक वाजिब अल-एहतराम दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब के इनेकाद के सिलसिले में मैं अपने मोहसिन, अपने अज़ीज़ कासिम अली शाह साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। हमारा उन पर बीसों तरीके से हक है, उस हक को हमेशा इन लोगों ने इन्होंने कासिम अली शाह साहब पूरा उतरे हैं। तो मैं शाही मैं ना पिछले दिनों ना हमारी जो ताजरे की तंजीम है ना, ये बुनियादी तौर पर ना जब मैंने आज से 5 साल पहले से शुरू किया था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि ताजरों के प्लेटफॉर्म पे ना हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ताजर उसको तस्वर किया जाता है जो अरबपति आदमी है, जिसका बहुत बड़ा कोई शोरूम है, कोई बड़े कारोबार है, उसे ताजर तस्वर किया जाता है। हालांकि ताजर जो मूंगफली बेच रहा है या जो नहीं है या मोची है, वो भी ताजर है, वो भी ताजर का ही काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों की सुनाई कोई नहीं है। अब कोई ऑर्डर को गवर्नमेंट का आया था ना, बड़े बड़े हाल खुले होते हैं, लेकिन छोटे छोटे रेहड़ी वालों को उठा के ले जाते हैं। इस सारे सिनेरियो को जब मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि यार इन लोगों के लिए भी काम करना चाहिए। तो मैंने एक स्मॉल ट्रेडर एंड जनरल स्टोर एसोसिएशन का एक आम अमल में लाया, ये मेरी टीम के दोस्त जो है ना इन लोगों ने इब्तदाई तौर पर मेरे साथ तआवुन किया, और हमने उस वक्त चूँकि आपको पता है हालात अच्छे थे, कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमारी सरपरस्ती करते थे, हम भरपूर तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हालात चेंज हुए कि फिर हमारे लिए ज़रा ना लोगों की खिदमत करना तो बड़ी दूर की बात है, अपनी सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया था। फिर मैं शाह साहब के पास हाजिर हुआ, मैं कि शाह साहब ताड़ी मेहरबानी साढ़े शफकत का हाथ रखो, ताड़ते मेरे कई ऐसे ताल्लुक रिश्ते गए ने कि मैं तो हर रिश्ते जो फाड़ना तुम निकल नहीं सकते। तो शाह साहब कभी अल्लाह के फजल करना कभी निकलते भी नहीं। तो इन्होंने कहा यार तू अपनी जो ए टीम है ना वो ले आओ, मैं उन्हें बुला लेता हूँ और आपकी भरपूर तरीके से जिस हद तक मुमकिन हुई खिदमत करेंगे, सरपस्ती करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारा जो है ना आज पहला कोई छोटा सा मुख्तसर सा कट है, उसके अलावा इंशाल्लाह ताला गुलशन रावी में शाह साहब हम इससे थोड़ा सा बड़ा एक प्रोग्राम करेंगे। मेरा तैयब साहब हैं, उन्होंने कहा है कि शाह साहब की अगर गल ले तो भाई हो तो मैं अपना दफ्तर भी देना सारे मामले करना। तो मैं कहा तेरी मेहरबानी भाई, आज के दौर के जो लफ्ज तो बड़ी बड़ी गल नहीं है। तो उसका इफ्तिताह करवाना है आपसे, इफ्तिताह के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छा खूबसूरत बड़ा प्रोग्राम कराएंगे। उस प्रोग्राम में हम जो है ना आपके ताउन से उस्मैया साहब के ताउन से जो हम तंजीम बनाएंगे, उस तंजीम की हल्फ वफादारी कराएंगे और अच्छा खूबसूरत गुलशन रावी में एक प्रोग्राम कराएंगे जिसमें अच्छी गैदरिंग भी होगी, अच्छा इंतज़ाम भी होगा। तो ये तो बात हमारा तारफ होगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा जो है ना शाह साहब के साथ अपने ताल्लुक का या उस प्रिविलेज का भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने शाह साहब को ना कासिम अली शाह एकेडमी से कासिम अली शाह फाउंडेशन तक का जो सफ़र है ना, उसमें चंद लोग ही हैं जो ऐनी शाहिद हैं, और मुझे ये खुशी है और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उस सफ़र में मैं ऐनी शाहिदों में से शामिल होता हूँ। शाह साहब लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ था, स्टार्ट किया वहाँ गुलशन में पढ़ा, एक बच्चे से शुरू हुए, दो से शुरू हुए, 10, 20, 50 बड़ी स्ट्रगल की इन्होंने, इस स्ट्रगल का मैं ऐनी शाहिद हूँ। इनकी स्ट्रगल का बताने का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे वो दोस्त जो कि इस वक्त मायूसी के आलम है, तक कारोबार के हवाले से कारोबार नहीं है, अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, अगर सर छुपाएं तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव छुपाएं तो सर नंगे होते हैं,
तो इस सारे मामले में जो शाह साहब की स्ट्रगल है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक बंदा ज़ीरो से हीरो कैसे बनता है। मुझे चंद दिन पहले ना एक साहब के पास बैठा हुआ था, मेरी पहली मुलाकात हुई उन साहब से, अमजद अवान नाम था उनका, मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुलाकात हुई। उनका ये दावा था कि मैं कासिम अली शाह साहब का एक वक्त में उस्ताद था। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, तो उस वाक़े से ना शाह साहब के ताल्लुक़ का मुझे मज़ीद फ़ख्र महसूस हुआ। वो कहते हैं कि मैं खुशाब में एक शादी पे गया, वहाँ पर एक फैमिली आई थी सखर से, वो ख़ातून जो थी को किसी कॉलेज की कुछ पढ़ाती थी, पीएचडी थी, उनको किसी ने बता दिया कि ये कासिम अली शाह साहब के जो है ना उस्ताद हैं। वो कहते हैं इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से, कशिश से मेरे पास आई और मेरे पास उसने अकीदत की इंतहा कर दी सिर्फ इसलिए कि ये कासिम अली शाह के उस्ताद हैं। उनके अपनी बच्चियों ने कासिम अली शाह साहब के उस्ताद से तस्वीरें तुलवाई, उनसे मिले और अपने लिए बड़ा एजाज़ महसूस किया। जब उन्होंने ये बात बताई तो मुझे खुद बड़ा गर्व हुआ, फ़ख्र हुआ कि यार कासिम अली शाह साहब के मेरा भी ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला ने उनको इतना एजाज़ बख्शा। लेकिन इत्तफाक़ की बात है या अपनाइत की बात है कि हमारे गुलशन अभी में हम आज भी उसी नौजवान कासिम अली शाह को देखते हैं जो कि वहाँ पे स्टार्ट किया, उसने स्ट्रगल की, मेहनत की। लेकिन बहरहाल ये है कि अहले गुलशन अभी के लिए तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारा कासिम अली शाह साहब से ताल्लुक़ है। वो इसी ताल्लुक़ को हम लोग ना एडवांटेज लेते हुए ना अपने ताजरों के प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह ताला शाह साहब से जो भी काम होगा जायज़ किस्म का काम, क्योंकि शाह साहब से नजायज़ काम कर तो कोई नहीं की जा सकती, तो ना इंशाल्लाह ताला शाह साहब आप हमसे ये तवक्कुल लगाएं कि हम आपके पास कोई नजायज़ काम लेकर आएंगे। हम वो काम लेकर आएंगे जो फाउंडेशन का बुनियादी मैनिफेस्टो है, खिदमत का, जज्बे का। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी सूरत हाल है। मैं वंस अगेन आपका और अपनी तमाम टीम का इंतहाई मशहूर हूँ, वो तशरीफ़ आए, और शाह साहब ये मेरे बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आपने हमें दावत दी। खुदा हाफिज़।